अस्सलामुअलैकुम और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सैदास किचन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज हम अंडे की मिठाई स्टोव पर बिना ओवन के कैसे बनती है, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर 6 अंडे लिए हैं, कुकिंग सोडा लिया है, 50 ग्राम प्योर घी लिया है, 3/4 कप चीनी ली है, आपके हिसाब से ले सकते हैं आप, 3 टेबल स्पून बारीक सूजी ली है यानी कि ची रोटी रवा, 100 ग्राम मैंने यहाँ पर मावा लिया है और 1 कप दूध, और यहाँ पर 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मैंने छील के रखा है और 50 ग्राम मैंने बारीक काट के रखा है। मैंने यहाँ पर केसर फूड कलर लिया है, आप चाहे तो ना मिलाएं। चलिए मिक्सर जार में हम सारे अंडों को फोड़ लेंगे। इसकी जर्दी और एग वाइट दोनों को साथ में ही मिलाना है और ध्यान रखिए ऊपर का जो अंडे का हिस्सा है टूट के ना मिले इसमें। और चलिए ऐसे करके सारे अंडों को फोड़ लेंगे। तो जार में हमने अंडों को मिला लिया है, अभी दूध मिला लेंगे। दूध उबला हुआ लिया था मैंने और यहाँ पर जो छील के रखे थे बादाम सिर्फ उसे मिलाएंगे। उसके बाद खोया मिला लेंगे, सूजी मिला लेंगे और चीनी मिला लेंगे, आप आपके हिसाब से मिला लें। और 3 चुटकी इसमें कुकिंग सोडा मिला लूँगी, 2 चुटकी केसर फूड कलर ऑप्शनल है। उसके बाद चलिए अच्छे से स्मूथ पेस्ट में हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद चलिए कोई भी टिन या पतीले में हम घी मिला लेंगे और इसे हीट कर लेंगे। इसके बाद सारे घी को हम ऐसे सारी तरफ फैला लेंगे और उसके बाद मिक्सचर को ऐड कर लेंगे और उसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम भी मिला लेंगे। चलिए स्टोव पर हम पुराना पतीला यानी कि वेजल रख लेंगे। अगर आप नया वाला ले रहे हैं तो नीचे नमक को डाल लें वरना काला हो जाएगा। कढ़ाई या कुकर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद चलिए ऐसे रिंग रख लेंगे, अगर आपके पास रिंग नहीं है तो ढक्कन को भी पलटा के रख सकते हैं। उसके बाद ऐसे हमारे टिन को रख लेंगे, मीडियम फ्लेम पे रख लेंगे और उसके ऊपर ढक्कन लगा लेंगे और इसके ऊपर कोई हैवी सा पतीला रख देंगे ताकि चारों तरफ से कोई हवा ना निकले और 30 मिनट तक इसे स्टोव पर पकाएंगे। मैंने 30 मिनट के लिए पका लिया है, प्लेट को हटा लेंगे। अच्छे से पक चुके हैं हमारी मिठाई, टूथपिक से चेक कर लेंगे, एकदम चिपकी नहीं है टूथपिक में। टिन बहुत ही गर्म था तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर ठंडे के लिए रख दिया था। उसके बाद चलिए ऐसे पीसेस काट लेंगे हम, आपको दिखा देती हूँ कितनी आसानी से ये निकल जाएगा। आप आपके हिसाब से इसके पीसेस काट सकते हैं। चलिए मैंने देखिए पहली पीस आपको निकाल के दिखा दिया है, एकदम परफेक्टली निकल चुकी है और आप देख सकते हैं एकदम से काला भी नहीं हुआ है, चिपका भी नहीं है, एकदम शाइनी और फ्लफी लग रही है हमारी मिठाई। दूसरा पीस भी आसानी से निकल चुका है। ऐसे ही करके हम सारे पीसेस को 1 by 1 निकाल लेंगे। आसानी से स्टोव पर अंडे की मिठाई बना सकते हैं बिना ओवन के। देखिए एकदम सॉफ्ट और जूसी लग रही है हमारी अंडे की मिठाई और बहुत टेस्टी भी बनती है, तो देर मत कीजिए इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको ओवन में बनानी है तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें।